नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों को कल तो फांसी नहीं होगी, लेकिन स्वाभाविक रूप से जेहन में एक सवाल उभरता है कि आखिरकार जब कल फांसी नहीं होगी तो फिर कब फांसी होगी और अभी इसमें कितना वक्त लगेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पटियाला हाउस कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश में उसने अनिश्चित काल तक के लिए फांसी टाल दी है। टिल फर्दर ऑर्डर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अगले आदेश तक। अब अगला आदेश कब आएगा, उसकी परिस्थितियाँ क्या होगी, सब कुछ परिस्थितियों पर ही डिपेंड करेगा। दरअसल अभी है क्या कि विनय शर्मा ने जो मर्सी पिटीशन दाखिल किया है, उसकी मर्सी पिटीशन यदि खारिज भी होती है, पहली बात तो ये कि मर्सी पिटीशन पे डिसीजन लेने में राष्ट्रपति कितना टाइम लगाते हैं, दूसरी बात ये कि जिस दिन खारिज होती है उसके बाद से 14 दिन का टाइम मिलना है। ठीक किसी तरीके से पहले यदि दोषी की बात करूँ मुकेश की, तो उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक दोषी के पास कोई ऑप्शन नहीं, जितने उसके पास विकल्प थे सब वो आजमा चुका। विनय के पास दो ऑप्शन है, जिसमें से कि एक ऑप्शन यानी कि राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन उसने अभी आजमाया है, मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद उसको वो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कर सकता है। तो एक बात तो तय है कि मान लीजिए कि अगले 3 दिन में राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं या 5 दिन में डिसाइड करते हैं, उसके बाद 14 दिन। अब बात आती है कि फिर जो है पवन के पास अभी क्यूरेटिव पिटीशन का भी ऑप्शन है और मर्सी पिटीशन का भी ऑप्शन है। तो क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होगा तो फिर वो मर्सी पिटीशन में जाएगा, ऐसे ही यदि एक हफ्ते में राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं तो फिर वो 14 दिन तक लगेगा, फिर उसको जुडिशियल रिव्यू में ले जा सकता है। और अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो चुका है, लिहाजा वो मर्सी पिटीशन में जा सकता है, मर्सी पिटीशन खारिज होती है तो जुडिशियल रिव्यू में जा सकता है। इस तरीके से यदि ये सारे विकल्प आजमाते हैं तो फरवरी से लेकर के मार्च तक का समय लग सकता है, यदि सब जगह से इनकी जो पिटीशन है वो खारिज हो जाए तो भी। क्योंकि 14 दिन का यदि 3 पे आप आजमाएंगे तो 42 दिन वैसे ही हो जाता है। यदि अभी जो नियम कानून है उसके मुताबिक राष्ट्रपति के यहाँ से मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद दोषी को 14 दिन का वक्त दिया जाता है फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए। तो ये 42 दिन का तो इनके पास समय है ही है, इसके अलावा यदि ये जुडिशियल रिव्यू में चले जाते हैं तो 2-4-5 दिन जो भी कोर्ट में लगेगा वो भी टाइम इनके पास है। तो कह सकते हैं कि अभी 1.5 से 2 महीना तक ये फांसी खींच सकती है। अब निर्भया के पेरेंट्स, चाहे जो भी निर्भया के वेल विशर हैं, जिनको भी पूरा देश उस समय हिल उठा था, सब कोई चाहता है कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन हो, इनको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि जो जस्टिस कहता है, आप कह सकते हैं कि जो नेचुरल जस्टिस कहता है कि जब किसी को आप फांसी देंगे उसके पास जितने राइट्स होंगे, जितने विकल्प होंगे, उसको आजमाने का आप मौका देंगे। खराब लग रहा है, बट खराब लगे तो लगे, कानून ने ये उनको अधिकार दिया है। इसी बात को लेकर के निर्भया की माँ सवाल उठा रही है कि क्या सारे अधिकार दोषियों के पास है, पीड़िता के और पीड़िता के परिजनों के पास कोई अधिकार नहीं है। ये अपने कानून की खामियां है। अब केंद्र सरकार गई है इस मसले से सबक लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास कि 3 काम कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट। क्या? पहली बात ये कि रिव्यू पिटीशन के बाद क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए समय निर्धारित कर दीजिए, कितने दिन के अंदर क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकता है। दूसरी चीज़ ये कर दीजिए आप कि डेथ वारंट जारी होने के बाद 7 दिन के अंदर फांसी हो जाएगी, और उसके डेथ वारंट जैसे जारी करते हैं उसमें उसके 7 दिन के अंदर आप मर्सी पिटीशन में चले जाएंगे, अब मर्सी पिटीशन के खारिज होने के 7 दिन के अंदर फांसी हो जाए। अब इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना है। एक चीज़ और केंद्र सरकार ने मांग की है कि यदि एक ही मामला है और एक दोषी के पास सारे विकल्प खत्म हो गए हैं तो आप उसको फांसी पर लटकाइए, बाकी का इंतजार मत कीजिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण केंद्र सरकार ने मांग की है सुप्रीम कोर्ट से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। लेकिन फिलहाल स्थिति जो नियम कानून अभी मौजूद है उसमें जो है दोषियों को 1.5 से 2 महीना तक फांसी देने में समय लग सकता है, क्योंकि 14 दिन का गैप देना पड़ेगा मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद। और यही वजह है कि कोर्ट ने जब देखा कि 2 बार हम डेथ वारंट जारी कर चुके हैं, दोनों बार एग्जीक्यूशन नहीं हो सका, लिहाजा उसने साफ साफ आदेश दिया कि ये फांसी तब तक के लिए टाली जाती है, टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि जब तक कि अगला आदेश ना आए तब तक के लिए। तो काफ़ी सोच समझ करके कोर्ट ने ये आदेश दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।